भैया वेट लगवा दो उसको अभी, वेट लगवा दो, हालत खराब होगी, लगा लो कैसे हम जाएंगे ढूंढ। देखो जंगली बंदे, एनर्जी लाओ, एनर्जी बॉडी में एकदम, इधर उधर घूमते रहते हो खाली खाली, छोरियां फटाता है। यार गांजा और बीड़ी का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। नहीं करता, जब तक वो नहीं करूंगा तब तक वो हमारा प्री वर्कआउट है। क्या बोला तूने? हाय दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज एक्सरसाइज करने वाला वो होगी हमारी लेग एक्सरसाइज। लेग में मैं करूँगा स्क्वाट, जो कि मैंने पीआर, लास्ट पीआर मेरा गया था 200 तक गया था। आज मैं अपना न्यू पीआर करूँगा, देखता हूँ कितना जाता है। तो आज अपने साथ में मैं ले रहा हूँ अपने कौशिक सर को, तो ये भी हमारा साथ देंगे। हेलो गाइस, और आप कौन सा आज एक्सरसाइज करने वाले हो? मैं भी आदर सर के साथ स्क्वाट से लगाऊंगा, पहले कभी किया नहीं, आज पहली बार करते हैं। और ये इन्होंने कल भी लेग्स किया था, तो आज भी इनका लेग्स है, तो आज देखता हूँ इनका कितना। तुम्हारा पीआर लास्ट कितना था? मेरा लास्ट पीआर 155 गया था, देखते आज कितना तक। लेकिन ये अभी कटिंग पे है, तो थोड़ा इनका काप्स और ये सब छोड़ के बैठे, तो देखता हूँ बहुत दिन बाद करें ना, बहुत दिन बाद। हाँ तो चलो कोई नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने प्री वर्कआउट में जो अपना मील लेना था, जैसे 4 eggs लिए मैंने और थोड़ा प्रोटीन लिया है, और अभी 3 केले और 1/2 liter दूध जो मेरा रेगुलर का रहता है वो आज भी मैं ले रहा हूँ, तो देखता हूँ कितना होता है। बहुत दिन बाद लेग भी कर रहा हूँ, मेरा शायद मैंने पिछली वीक में किया था, तो उसमें मेरा 200 किया था, आज मेरा रहेगा पीआर के लिए, देखता हूँ कितना हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये अभी हमारा स्टूडेंट तनिष्क आ चुका है, तो इसका अभी पीआर कितना तुम्हारा था लास्ट? 120 था। तो आज कितना तक जाओगे, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि कल बुखार हो गया था, तो आज कुछ आइडिया नहीं, कितना जाएगा, जितना पुश कर रहे उतना पुश करें, पुश करने की कोशिश करो, और अपना आज 130 तक करना है कुछ भी करके, है ना? होगा, ठीक है ठीक है, चलो करेंगे। उस दिन डेडलिफ्ट किया था तो नहीं हो पाया था, कोई नहीं, आज करेंगे, पूरा फोकस रहेगा। डाइटिंग वाइटिंग अच्छा किया ना पूरा? प्री वर्कआउट में क्या क्या खाया? प्री वर्कआउट में 100 ग्राम मूंग दाल खा गया। हाँ हाँ, एग राइस तो बात ही छोड़ दो, एग राइस नहीं खाया ना? नहीं खाया मैंने भी आज पूरा ये मंथ गया है, एक ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम खा पाया है, क्योंकि मेरे पापा गाँव से आए, तो उनके साथ में घूमना और ये सब डाइटिंग का तो कोई ध्यान रखा नहीं। फिर भी देखता हूँ, आज बहुत दिन वाले कर रहा हूँ, शायद एक वीक हो गया है, तो उसके बाद देखता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब किया था शायद 15 दिन पहले, तो मेरा 200 हुआ था, तो आज देखता हूँ नेक्स्ट पीआर के लिए कितना होता है। सो स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। चलो जय बजरंग बली। To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in this space. Yeah, making rest every day. क्या कहना चाहेंगे आप? डायरेक्ट 200 मेरा पीआर उनका होगा।
अच्छा यार होता था आज के ज्यादा नहीं, 1.5 साल पहले 2019-20 में लास्ट जो मेरा पीआर था वो शायद 130 का था। सही बात बोली इन्होंने, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है आज के 6 साल पहले। तब से मैंने सोच लिया कि काफी टाइम बाद मैं क्योंकि मैं ना रेपिटेशन से ज़्यादा फोकस करता था, कॉम्पिटिशन था। वैसे आज मेरा कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डिंग था, कुछ बचा नहीं बॉडी में। गुरु जी पता है इनका ना कौशिक सर के पता है एक चीज़ क्या अच्छा है, हमारे जिम में ना 4 ट्रेनर है, ठीक है, एक कोच गुरु जी, कौशिक सर, फिर एक थे तो चले गए। तो इनका चीज़ क्या पता है, ये शर्माते नहीं। पहली बार वीडियो में आया, पहली बार इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखना वीडियो में कैसा टंकन कर ले, वो आएंगे वीडियो में आधा लगता है क्या स्माइल है जैसे अभी। नहीं, बहुत से लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि आए जिम में 1-2 महीने 6 महीने किया और सर आपकी तरह नहीं बनना है या मेरी तरह नहीं। बहुत से लोग होते हैं उनको फिटनेस देखते हैं, सर इसकी तरह बॉडी बना रहा है, ऐसा नहीं भाई। टाइम डोज के लिए होगा, एक ना एक दिन होगा, 100% होगा, क्योंकि इसके लिए डाइट, कॉन्सेंट्रेट, आपको वर्कआउट, आप प्रॉपर रेस्ट, आपका सब फोकस करना होता है इसके लिए। और जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल में ये कोई मैगी नहीं जो एक दिन में बन जाएगी, नहीं 2 घंटे में बन जाएगी। हाँ, बस इसके लिए टाइम दो, होगा एक ना एक दिन होगा। कोई बॉडी बिल्डर ऊपर से उतर के नहीं आता है, वो आपके नहीं। सर वो भी बताओ कि ऐसे नहीं होगा कि खाली तीन चार साल जिम भी करो फिर भी बॉडी बन जाए, डाइट की जरूरत नहीं उसके लिए। 100% देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 75% डाइट तो 25% करता हूँ, 100% डाइट, 100% तो जाके ऐसी बॉडी मिलेगी, ऐसी बॉडी ऐसी तो चलो ठीक है बन जाएगी, ऐसी ऐसी मिल जाएगी, 5 साल बाद मिल जाएगी ऐसी बॉडी, बनेगी बनेगी। ये देखो स्ट्रगल, खुद ही मारना है भी। I just wanna feel for free and I just wanna be me. नहीं करेंगे तो तक भी गया है, तो अभी देखता हूँ 205 करके, फिर अगर ये होता है अपने और में cause I'm really focused and I make it with the rap and I just follow my path, I just follow my passion, to me this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you out. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in this space. Yeah, making rest every day, man. ये अपना PR हो चुका है, अभी next PR 215. Try करूँगा एक बार, होता है कि नहीं? बस 215 try, finish करूँगा ये, है ना? Yeah, खेलता body building हूँ. कितने बार competition खेला? एक दो बार मन में Shut the fuck up. नहीं मन में नहीं मतलब है। कटिंग वालों का क्या स्टैंड कम हो जाता थोड़ा नहीं? हाँ वही कटिंग कर रहे थे ना, कार से एकदम जीरो बना, कैलोरी भी काउंट करके लेना पड़ता है, काउंट करके लेना पड़ता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, और वो भी लेना पड़ता है काउंट करके। ये हमारा छोरा आ गया है, करना है खुद पे भरोसा। दोस्तों अभी 205 कंप्लीट हो चुका है, अभी 215 की लगाया है, तो देखता हूँ होता कि नहीं, करना है कुछ भी करके होगा। जय श्री राम। कोई ना बस
अपना जो भी हुआ अच्छा हुआ, पीआर हुआ 215 कंप्लीट। अपने जो कंपटीशन स्टेट कर रहा है अभी एक वीक है, उसमें अपना लास्ट जाएगा 215। दो वीक है। आके तो देखो हालत खराब हो गई। आज थोड़ा हर्ट भी अंदर से, क्योंकि आज मेरा कंपटीशन था, मैं गया नहीं। अच्छा, मेरे को लगा बंदी छोड़ के चली गई। रोकी कैसा सीन है कि ये रिलेटिव नहीं है, बंदी छोड़ के चली गई, इनको पता है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखो जीतने हारने का कोई सीन नहीं है, लेकिन स्टेज पे जाना सबसे बड़ी बात, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो मैं हारने तुम्हारे लिए नहीं, कोई भी एथलीट हो, चाहे वो ओलंपिक का स्टेज हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग कोई भी स्टेज हो, स्टेज पे जाना स्पोर्ट्समैन के लिए तो मतलब स्टेज पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है। मैं देखो तो दोस्तों लास्ट हमारा जो गया है 215, जिसमें दो रेपिटेशन ट्राई किए थे पर दो नहीं हो पाए। अपना जो गया पीआर गया 215 गया, एक रेपिटेशन कंप्लीट गया, दूसरा में थर्ड गया। तो सर आपका कितना लास्ट गया? मेरा बस वही 145 गया। 145 पीआर भी नहीं गया, जितना पीआर था वो भी नहीं हो पाया। तो ये होता है थोड़ा डाइट का इशू, डाइट का इशू होता है, फिर वो हो गया ना, फिर बैड भी फिर सब वरना कम 60/60 तो मार ही देता मैं आराम से। 15 दिन पहले बीमार हो गए थे तो थोड़ा होता है। तुमसे किसी ने पूछा? मैंने पूछा क्यों वो हमें तो कोई नहीं, अभी कंपटीशन आ रहा है नेक्स्ट वीक में स्टेट लेवल का, देखता हूँ उसमें कितना होता है। तो आज फाइनल जो भी था करने का पीआर वो अपना किया, 100% किया। तो संडे तो शायद कंपटीशन होगा नहीं, तो बेंच का अपना देखता हूँ। पीआर लास्ट पीआर हमारा 145-50 तक गया था, 50 थोड़ा टफ लगा था, पर 145 तो है ही, क्योंकि लास्ट कंपटीशन खेल के आए थे उसमें मेरा 145 हुआ था। तो देखते हैं, कोई नहीं, अभी अपना 10 सितंबर को अपना कंपटीशन आ रहा है, तो उसमें देखेंगे 100% देंगे, अपना पूरा रहेगा गोल्ड के लिए। कोई नहीं, मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।